नमन बंदन करते हुए ओम एवं 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 इस युग के धन्वंतरी आचार्य बालकृष्ण जी के श्री चरणों में ओम नमन। यहाँ उपस्थित सभी योग क्रिया को करने के लिए उपस्थित सभी भाई बहनों को ओम नमन। सबसे पहले इस योग की क्रिया में हम सभी लोगों को आज योग प्रोटोकॉल के माध्यम से जो योग की क्रिया को बताया गया है इसको करना है, इसलिए हम सभी लोग सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हम सब साथ एक सुर में बोले, हम सब साथ अपने मन को सचित बनाए। अब दूसरा क्रिया है खड़ा होकर के या बैठ कर, तो हम समझते हैं कि सभी लोग खड़ा होकर के शुद्ध प्राणायाम करेंगे। तो शुद्ध प्राणायाम में कैसे करना है इस क्रिया को हम लोग करेंगे, आप लोग उसको देखते हुए आगे करते हुए चलेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़ा होना। हाँ, हमारे शिक्षक श्री संतोष जी सूक्ष्म प्राणायाम ने किया, इसको देखते हुए हम सभी लोग करेंगे। अपने दोनों हाथों को फैला लेंगे और सबसे पहले एक एक कोर को ऐसे ऐसे मोड़िए, ऐसे ऐसे इस क्रिया को कम से कम 5 बार। इसके बाद अंगूठा को अंदर करके और हाथ को ऐसे बल लगा करके मोड़ेंगे और मुट्ठी को बांधेंगे और साथ साथ सांस को खींचते हुए इस क्रिया को करेंगे। मुट्ठी बांधेंगे तो सांस को खींचेंगे और मुट्ठी खोलेंगे तो सांस को छोड़ेंगे। सांस को खींचते जाएंगे और सांस को छोड़ते जाएंगे। सांस को छोड़ना और खींचना इस क्रिया को बंद नहीं करना है, क्योंकि श्वास ही मेन है। फिर इसको उल्टा घुमाएंगे, इस कार्य को अब यहीं पर समाप्त करके इसका अगला अभ्यास गर्दन को आगे और पीछे करना है। और गर्दन को आगे पीछे करने के लिए श्वास को खींचना और श्वास को छोड़ना, ये दोनों क्रिया हम करते रहेंगे। श्वास को इसको बंद नहीं करना है, श्वास को खींचना और छोड़ना ये अभ्यास हमेशा चलता रहेगा। अब सबसे पहले आगे झुकना चाहिए और जितना झुक सके कमर नहीं झुकाना है, जितना झुक सके गर्दन उतना ही झुकाना है, उसमें जबरदस्ती प्रयास नहीं करना है। अगर दाढ़ी सट जाए छाती से तो बहुत अच्छा है, लेकिन सटाने के लिए जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि शुरू शुरू का पहला अभ्यास है, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते तब सटेगा। तो हम सभी लोग सबसे पहले गर्दन को आगे झुकाएंगे, फिर गर्दन को पीछे, फिर आगे। अगला अभ्यास गर्दन को बाएं कंधे से सटाना है। सटाने के लिए आपको जबरदस्ती नहीं करना है, जितना सट सके उतना सटाएं और कंधा जहां का तहां रहेगा तो गर्दन हम सटाएंगे। सबसे पहले बाएं की तरफ ले जाएंगे, फिर सामने ले आकर के रोक करके फिर दाएं की तरफ ले जाएंगे।
ऐसे पांच बार कर लीजिए। जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो जबरदस्ती नहीं करेगा। फिर सामने, फिर बाएं, फिर सामने, फिर दाहिने। इस क्रिया को करने से सर्वाइकल प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। जिसको होगा भी इस क्रिया को करते करते जो नेक बेल्ट लगाते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस क्रिया को यही पर समाप्त करते अगली क्रिया करें। गर्दन को आराम से हो सके उठना, सांस को खींचते हुए ऐसे पीछे जाएंगे फिर आगे आते हुए छोड़ते जाएंगे। अगर आंख बंद करते हैं किसी को चक्कर आवे तो आंख खोल करके। हेलो, अब इसके आगे हेलो कटिचालन चक्र भी पहले आप देख रहे हैं कैसे करना है। हा? इसके बाद स्कूली में भैया व्यायाम होता है। बाएं हाथ को पीछे ले जाकर के दाहिने हाथ को अपने कंधे पर होगा और गर्दन घुमाते हुए दाहिने बाएं हाथ के तरफ देखेंगे और सांस खींचते हुए फिर सांस जो जो हमने कर रहा ना रहा तो मतलब पूरा ग्रिप लग पाए सामने आएंगे। हम चलिए फिर हां तब चल हो रहा समा दाहिने हाथ को दाहिने तरफ ले जाएंगे फिर बाएं हाथ को दाहिने हाथ के कंधे पर रखते हुए दाहिने हाथ की तरफ सामने देखेंगे। अच्छा दे दला ऐसा ना ना भैया 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 ना ये पास डालो दे दला। फिर ऐसे ही बाएं हाथ को बाएं तरफ ले जाएंगे दाहिने हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर रखेंगे। ये क्रिया देखने में लग रहा है कि बहुत आसान है लेकिन इसको नियमित करेंगे तो सर्वाइकल प्रॉब्लम क्योंकि आम बीमारी की तरह होगी ये बीमारी नहीं होगी। घुटना के लिए आज घुटना जो है लगभग 100% लोगों की ये बीमारी है वो बीमारी नहीं है उम्र के हिसाब से होता है लेकिन हम लोग उसको बीमारी मान लेते हैं और उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। जबकि इस योग क्रिया को अगर आप करेंगे तो घुटना स्वाभाविक चीज़ है उम्र के हिसाब से बॉडी के हिसाब से घुटना के ऊपर दबाव पड़ता है उसमें किसी किसी की बॉडी बहुत मोटी हो जाती है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है तो उस मोटापन को कंट्रोल करेंगे और इस क्रिया को जब करते रहेंगे तो घुटने की बीमारी नहीं होगी। घुटने के लिए हमारे संतोष जी योग शिक्षक कर रहे हैं पूरा नहीं बैठना है आधा बैठना है जो जितना देर तक रोक सके ऐसे ऐसे कम से कम 3 बार 5 बार जबरदस्ती नहीं जो जितना कर सके करें। इस क्रिया को लगातार वो करते रहेंगे अभ्यास में तो ये बहुत ही आसान है और घुटने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं। अब इसके आगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो हम सभी लोग
करेंगे, जैसे हमारे योग शिक्षक संतोष जी कर रहे हैं, सांस को खींचते हुए ऊपर को हाथ लेकर जाएंगे। जितना देर तक रोक सकें उतना देर तक रोकिए, फिर इसके बाद सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक क्रिया कम से कम 5 बार, जो 18-20 साल के अंदर के बच्चे बच्चियां हैं जिनकी लंबाई कम है उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है, स्पेशली उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए। वैसे कोई भी इस क्रिया को करेगा तो सबको उसका लाभ मिलेगा। ताड़ासन के बाद को नीचे बाएं पैर ऊपर, जैसे कि हमारे योग शिक्षक कर रहे हैं, फिर दाहिने पैर को सही क्रिया देखिए, यह सही क्रिया है। वृक्षासन करने का प्रयास करिएगा, कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। अपने अंगूठों के हाथ से छूना है, घुटना नहीं मोड़ना चाहिए, जितना हो सके उतना करिए, जबरदस्ती नहीं। ऐसे कम से कम 3 बार करिए। सांस को खींचते हुए ऊपर उठेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अब इसका एक दूसरा रूप है, पादहस्तासन का दूसरा रूप, जैसे हमारे योग शिक्षक कर रहे हैं वैसे ही एक करके करने का कोशिश करिए। नाक को घुटना से सटाना है, ये थोड़ा कठिन है, तो नाक सटे ना सटे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उतना एक्शन होना चाहिए। हाँ, ऐसे कम से कम 3 बार 2 बार 1 बार शुरू है, ज्यादा प्रयास न करें जो जितना कर सके, लेकिन कम से कम 2 बार 3 बार तो अवश्य करें। ताली जितनी तगड़ी बजाएंगे उससे आपका प्रेशर कम होगा, सबसे बड़ा फायदा यही होता है। तो हम सभी लोग चाहेंगे इसके आगे भी दिया है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन कैसे करना है? हाँ, अब देखते रहिए और इसको क्या करते रहिए, केवल देखते रहेंगे, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। सांस खींचते हुए हम पीछे जाएंगे, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए सबसे पहले बाएं हाथ को
बाएं पैर कि आप कर सके वैसे इतना देर तक कर लीजिए, कम से कम 3 बार 5 बार करने का अभ्यास करिए। यह कोई बहुत कठिन नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं इस क्रिया को। कम से कम 3 बार 5 बार कर लीजिए। त्रिकोण आसन यह हमारी उम्र के लिए बहुत ही आसान योग है। इसके आगे हम दंड आसन या